जैसे हमारे यहाँ हरनटीनगंज ब्लॉक में अनीता है। अनीता एक सामान्य, आप ये कह सकते हैं, अति पिछड़े, अति गरीब परिवार की एक महिला है, हाउसवाइफ है, और वो अपनी बात करने की क्षमता उसके अंदर केवल देख करके हम लोगों ने उसको इसकी जानकारी दी, ये तकनीकी बताई, और उसने वहाँ पे महिलाओं का संगठन बना के और उनके माध्यम से सिर्फ अपने गांव से शुरुआत करके उसने वहाँ पे 10 ग्राम पंचायतों में आज सारी जो 6 की 6 जो परिवार नियोजन के उपकरण हैं उनका उपयोग, आप डाटा देखेंगे तो उन ग्राम पंचायतों में डिमांड बढ़ गई है, लोग कंट्रासेप्टिव भी मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस तरह से एक मुद्दा उसने 10 ग्राम पंचायत में बनाया, तो वो एक अच्छी चैंपियन बन के निकली। इसी तरह से हमने गांव में जब निकलने लगे तो देखे गांव के लोग ऐसे ढेर बच्चे वाले, तो हमने पहले महिलाओं से बात किया कि दीदी आप इतने बच्चे क्या करोगी, खिलाना आपको है, पढ़ाना आपको, कपड़ा आपको पहनाना है, हमको कुछ नहीं बना, खाली हम आपको सलाह बता रहे हैं कि आप इतने बच्चे को कैसे देखभाल कर पाओगी। तो उन्होंने फिर हम जब जाते तो हमारी खूब हंसी उड़ाते थे, तो जो महिलाओं को हम बताते हैं तो जब महिला के समझ में आई तो उन्होंने अपने पुरुष से कहा कि अगर दीदी ऐसे बता रहे हैं चलिए इसको अपना के देखा जाए, अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं पुरुष, अगर हम जा रहते हैं जिस रास्ते से तो पुरुष बुलाते हैं कि दीदी आप हमको सलाह बताइए कि हमारे बच्चों में अंतर कैसे रखा जाए। पुरुष के लिए कंडोम है, महिलाओं के लिए जैसे छाया गोल है, मालायन है, अंतरा है, कपड़ी है, लगवा लीजिए। कि जैसे हमारे 2 बच्चा है 3 बच्चा है, कोई कोई पुरुष के 4-5 बच्चे जैसे महिला हैं वह कर रहे थे कि हमारे महिला के ऊपर कोई दिक्कत ना है हमका बता जाए, तो उनका पुरुष नसबंदी बता रही थी, हमारे बताने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम लगातार हर महीने हर बार उनको बताते गए, अब ऐसे है कि हर एक परिवार में जिस परिवार में हम जाके बताते हैं वहाँ की पूरा परिवार इकट्ठा होकर हमारी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपनाने का सोच करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि दीदी हमको लाके दीजिए। और हमारी अनीता दीदी जो है ये हमको बताया, वहाँ बता रही थी तो हमने इनसे पूछा कि ये माला डी और ये छाया ये सब क्या होता है, तो हमको ये कापट्टी अच्छी लगी, कि हमको कापट्टी जब अच्छी लगी तो हमने यही व्यवस्था कर लिया। और हमने जो है हमारी पहली लड़की हुई तो हम 5 साल के बाद ही हुई, 5 साल के बाद होने पर हम जो है इंजेक्शन का मतलब प्रयोग किया, इसका नाम अंतरा है। लेकिन जब से हमारे यहाँ ये जो नारी संघ की बैठक होती है और उसमें अनीता दीदी उस बैठक में आती हैं तो उन्होंने बताया, हम भी आते हैं उस बैठक में, तो हमको जब सूचना मिली, जैसे थोड़ा बहुत जानकारी मिली ये परिवार नियोजन के जो भी प्रयोग किए जाते हैं साधन हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 3 साल तक बच्चे ना हो, 3 साल का अंतराल रखे, तो हम गर्भ निरोधक गोली है छाया इसका भी उपयोग करते हैं। दोनों ने समझ कर किया है कि यदि हमें ज़्यादा हो सकता है लंबे समय के लिए तो हम लोग उनको छाया है माला डी इन तरह की गोलियों को यूज कर रहे हैं, और मुझे जब अंतराल कम समय का लगता है तो उसके लिए मैं कंडोम इस्तेमाल करता हूँ।